के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री टी एस सिंहदेव जी से निवेदन करेंगे संबोधन के लिए। देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, प्रिय साथी सांसद, केंद्र में राज्य मंत्री, आदरणीय, और इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं सीधी मंच पर उप मुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव बोल रहे हैं, और इस बीच चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक शुक्ला जुड़ गए। अभिषेक, आज एक जो कार्यक्रम आयोजित किया गया सरकारी कार्यक्रम है और प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हैं, बड़ी सौगात यहां के लोगों को मिलने वाली है, प्रदेशवासियों के लिए किस तरह से लाभदायक ये कार्यक्रम? बिल्कुल, देखिए आज प्रधानमंत्री मोदी रायगढ़ पहुंच चुके हैं और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे दो कार्यक्रम उनके हैं। एक शासकीय कार्यक्रम है जिसमें करोड़ों रुपए की सौगात प्रधानमंत्री आज छत्तीसगढ़ को देने वाले हैं, 6,350 करोड़ की कई महत्वपूर्ण रेल क्षेत्र परियोजनाएं हैं जिसको ये समर्पित करने वाले हैं प्रधानमंत्री आज रायगढ़ में। उसके अलावा 9 जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला भी रखने वाले हैं, तो और उसके अलावा प्रधानमंत्री 1 लाख सिकल सेल जो परामर्श कार्ड है उनका भी वितरण करने वाले हैं। तो ये एक शासकीय कार्यक्रम है और ठीक इसके बगल में दूसरा डोम है जिस पर प्रधानमंत्री जाएंगे और वो पॉलिटिकल प्रोग्राम होगा। तो दो कार्यक्रम वहां पर कोड़ा तराई में ही रखा गया है और प्रधानमंत्री इस वक्त शासकीय कार्यक्रम में है, मंच पर मौजूद है। उनके साथ उप मुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव है, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह है, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल है और रायगढ़ की जो सांसद गोमती साहब वो मौजूद है। तो शासकीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री इस वक्त है और छत्तीसगढ़ के लिए कई सारी सौगातें आज प्रधानमंत्री समर्पित करने वाले हैं। इसमें पूर्व रेल परियोजना चरण जो चापा से जमुगा के बीच रेल लाइन है, पेंडा रोड से अनूपपुर के बीच रेल लाइन है, या तलाई पल्ली कोयला खदान को एनटीपीसी लारा सुपर थर्मल पावर जो है उससे जोड़ने वाली रेल लाइन की बात कर ली जाए तो कई सारी रेल लाइन है जिसको समर्पित करेंगे आवाजाही के लिए, आम लोगों के लिए काफी फायदेमंद है, प्रधानमंत्री इस योजना के जरिए फायदा पहुंचाएंगे। इसके अलावा खरसिया से धर्मजयगढ़ तक 124 किलोमीटर की रेल लाइन भी शामिल है, तो रेल लाइन का एक जो जाल है वो समर्पित करने की कोशिश प्रधानमंत्री द्वारा आज यहाँ पर है। और उसके अलावा रायगढ़ में जो मान रायगढ़ कोयला क्षेत्र है वहां से कोयला परिवहन के लिए भी रेल संपर्क से ये चीजें यहाँ पर जुड़ जाएंगी। उसके अलावा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य क्षेत्र में भी 9 जिलों में 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास करेंगे जिसमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन के तहत 210 करोड़ की लागत से दुर्ग, कोंडागांव, राजनांदगांव, गरियाबंद, जशपुर, सूरजपुर, सरगुजा, बस्तर और रायगढ़ जिलों में 9 क्रिटिकल केयर ब्लॉकों का निर्माण होगा। तो ये हेल्थ सेक्टर में भी एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री आज यहाँ पर देने वाले हैं। उसके अलावा हम बात कर ले सिकल सेल जो रोग है उसका हेल्थ कार्ड प्रधानमंत्री, लगभग 1 लाख सिकल सेल परामर्श कार्ड है, वो वितरण प्रधानमंत्री यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये शासकीय कार्यक्रम है, इस शासकीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री सौगातें देंगे छत्तीसगढ़ को और इसके बाद वो जो बगल का डोम है जिसमें पॉलिटिकल कार्यक्रम है, एक बड़ी सभा जहां हजारों लोग इस वक्त उनका इंतजार कर रहे हैं, वहां पर प्रधानमंत्री जाएंगे और आम सभा को संबोधित करेंगे। तो जो इस वक्त है फिलहाल प्रधानमंत्री शासकीय कार्यक्रम में मौजूद है और स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव ने अभी संबोधन अपना खत्म किया है और प्रधानमंत्री अब यहाँ पर समर्पित करेंगे और संबोधित करेंगे। बिल्कुल, और ये चूंकि जो जिन योजनाओं का आपने जिक्र किया वो योजनाएं सीधे तौर पर लोगों को लाभ पहुंचाने वाली हैं अभिषेक, और ये शासकीय कार्यक्रम, इसके अलावा एक जो पॉलिटिकल कार्यक्रम का आपने जिक्र किया बिल्कुल नजदीक में ही वो भी है, वहां पर कौन कौन से गेस्ट आने वाले हैं? चूंकि काफी लोग यहाँ इस कार्यक्रम में भी हैं और भारी संख्या में, उम्मीद है कि वहां भी लोग पहुंचे होंगे।